साल के शुरुआत में एक निजी चैनल को दिए अपने पहले इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार के सवाल पर यह बयान दिया कि यदि कोई व्यक्ति पकौड़ा बेचकर शाम को 200 रुपए घर ले जाता है तो क्या उसे रोजगार नहीं कहेंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। जिसके बाद एक बार फिर देश में रोजगार पर चर्चा शुरू हो गई। वैसे हम आपको यह बता दें कि पकौड़े बेचने को रोजगार सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही नहीं कहा, बल्कि राज्यसभा में पहली बार बोलते हुए अमित शाह ने तो यहाँ तक कह डाला कि पकौड़े बेचना कोई शर्म की बात नहीं है। आज लाखों करोड़ों युवा पकौड़े बेच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा ले, अपने श्रम परिश्रम से पसीना बहार कर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पकौड़े नहीं बेचेंगे सर जी तो क्या करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें इसके अलावा किसी काम के लायक छोड़ा ही नहीं। वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ईमानदारी और मेहनत से किए जाने वाले किसी काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। पर यदि देश का वह युवा जिसके पास बीटेक, मेडिकल, पीएचडी, एमबीए की डिग्री हो और वो अगर पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हो, तो उस सरकार के लिए यह शर्म की बात जरूर है, जिसने चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वैसे उस सरकार को जो युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे रही है, उसे हम बता दें कि खोलते हुए तेल में युवा पकौड़े नहीं, अपनी डिग्री, अपने सपने, अपने स्वाभिमान को तल रहे हैं। और वो ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हैं, यह तो सरकार के स्वयं ब्यूरो के रिपोर्ट को देखकर ही पता चल जाएगा, जिसके मुताबिक भारत दुनिया में बेरोजगारों का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के 11% यानी 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 2015-16 में बेरोजगारी की दर 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। 2015 में सिर्फ 1,35,000 लोगों को नौकरी मिली। पिछले 4 साल से हर रोज 550 नौकरियां खत्म हो रही हैं। महिलाओं की बेरोजगारी की दर पिछले 4 साल में 8.7 तक पहुंच गई। स्वरोजगार के मौके घटे हैं और सरकारी नौकरियां कम हुई हैं। भले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार पकौड़े तलने को अच्छी बात मान रही हो, पर हम आपको बता दें कि पकौड़े इतने भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसका स्वाद सेहत की कीमत पर आता है। और यकीन मानिए, पकौड़े वाली सरकार में देश की सेहत खराब, बहुत खराब है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुमने किया कुछ से तेरा दोसे, कभी बेरोजगारों के धरने, विद्यार्थी मित्रों के आंसू पहचानता।